हाय गाइस, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मालूम है शाहरुख खान किंग खान जो कि जीरो मूवी के बाद जो है लगातार 2-3 साल बैठे थे और सबको मालूम है उसके बाद जो है उनकी मूवी कोई भी चली नहीं और फ्लॉप की फ्लॉप रही और काम भी नहीं कुछ किए। बाद में जो है जब करुणा काल आया तो उसमें जो है इन्हें 2-3 मूवी मिली, यशराज की मूवी मिली, पठान मिली, फिर उसके बाद जो है अभी एक मूवी है लॉइन जो कि साउथ की मूवी है, इटली क्या वो खाने वाला इटली ने इटली करके एक साउथ के डायरेक्टर हैं उनका है मूवी, उनकी मूवी है जिसमें नयनतारा है और 2 हीरोइन हैं। तो दोस्तों, ये जो है पठान जो है यशराज के बैनर तले बनी है और वो मूवी भी जो है काबिले तारीफ रहेगी और जो भी है मतलब है शूटिंग उसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत बाकी है, हो चुका है और रह गया ये जो लॉइन जो है। दोस्तों, ये मूवी जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के साइन की है, भले जो है उनके ऊपर शूट नहीं हो रहा है लेकिन दोस्तों पहली बात है आप लोग एक बात जान लीजिए कि साउथ के जितने भी हीरो हैं देखा जाए तो आज के तारीख में जो है साउथ में जो है बहुत से हीरो हैं, अनगिनत हीरो हैं, नाम लेने जाओ तो कम पड़ेगा, लेकिन उनकी कोई भी मूवी है चाहे कोई भी डायरेक्टर है कोई भी मूवी उठा के देख लो, कैसा भी हीरो रहने दो, मूवी देखने लायक होती है और लास्ट तक मूवी सब देखते हैं और अच्छा खासा इन्जॉयमेंट होता है। तो दोस्तों, ये मूवी उन्होंने जो है चेन्नई एक्सप्रेस आई थी तो रोहित शेट्टी सर ने इसका ये किए थे, डायरेक्शन किए थे, उसके बाद जो है बहुत सोच समझ के साउथ की मूवी उन्होंने साइन की है और ये मूवी देखने लायक होगा। तो आपको मैं एक बता दूं, बीच में जो है पूना में एक जो है मेट्रो ट्रेन का हाईजेक सीन जो था, हमें जो है पिक्चर का नाम बताया था जवान, लेकिन मुझे जहाँ तक हो सके मैं आपको बता देता हूँ। सबको मालूम है कि बाद में सब कुछ ओपन हो जाएगा, गर्दी हो जाएगा, पब्लिक इधर उधर रहेगी, शूट करने को नहीं मिलेगा, तो पूना में इन्होंने जो है लग रहा है लॉइन का जो सीन है वो पहले ले लिया, जो कि इसमें कुछ स्टोरी इस तरह होएगा कि 3 हीरोइनें हैं, एक नयनतारा और 2 हीरोइन हैं जिसको नयनतारा का तो सब लोग जानते भी हैं और 2 हीरोइन हैं जो भी है, इनको जो है मतलब बचाने के लिए ऐसा कुछ मतलब ये है, और हो सकता है कि उसमें जो है मेट्रो का जो है उसके अंदर नयनतारा जो है बैठ के आती उनको बचाने के लिए ये जो है ऐसा कुछ हाईजेक का सीन उसमें बताया गया और वो हमें मालूम पड़ा, उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो दिया था। तो दोस्तों, ऐसे करके लॉइन जो है ये मूवी आने वाली है और लॉइन मूवी थोड़ा हो सकता है टाइम लगेगा या 2022 लास्ट में यह दिया तो 2023 में आएगी, लेकिन पठान मूवी जो है 2022 में सीवर आएगी। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ ये दोनों मूवी जो है ब्लॉकबस्टर रहे और ये मैं जहाँ तक बोलूँ कि लॉइन मूवी जो है ऑलरेडी जो है ब्लॉकबस्टर रहेगी ही रहेगी। क्यों मालूम है? क्योंकि साउथ की स्टोरी में जान होता है और देखने लायक होता है। तो दोस्तों, ये जो है शाहरुख खान सर किंग खान की जो है ये दोनों मूवी आने वाली है। अब मैं पठान के बारे में तो नहीं बोल सकता लेकिन यशराज जो बनाते हैं एक सपना बनाते हैं उनकी भी मूवी फ्लॉप नहीं जाएगी, हिट ही जाएगी, लेकिन लॉयन का मैं ये बता सकता हूँ कि ये ब्लॉकबस्टर रहेगी। बस दोस्तों, इतना ही। जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और वो घंटी ज़रूर बजा दो, जब भी आपको वीडियो डालूँ आप देख सकते हैं ऑटो वाले का रिएक्शन। बस दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।